टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के जीवन बाग में बुरहानी इमारत के ए विंग के चौथे मंजिल पर रहने वाले शहनवाज सैफी ने अपनी बीवी सदब सैफी की 1 सितंबर को हत्या करके फरार हो गया था, मगर पुलिस ने उसे मध्य प्रदेश के इटारसी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया है। मुमरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर कड ने बताया कि शहनवाज सैफी और सदब में लव मैरिज हुआ था, मगर इन दोनों के बीच में हमेशा झगड़े हुआ करते थे। 1 सितंबर को भी किसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया और शहनवाज सैफी ने नशे की गोली देकर उसे बेहोश कर दिया। उसके बाद उसे जलाया भी था कई जगहों पर और रसोई गैस की पाइप उसके मुंह पर लगा दिया था और घर का दरवाज़ा बाहर से बंद करके अपने 2 साल की बेटी को लेकर फरार हो गया था, जिसकी वजह से सदफ की जान चली गई थी। शहनवाज सैफी मुरादाबाद का रहने वाला था और हत्या करने के बाद ये ट्रेन से मुरादाबाद जा रहा था, मगर मुमरा पुलिस ने इटारसी आरपीएफ से संपर्क किया और मुरादाबाद जाने वाली ट्रेन से इसे गिरफ्तार कर लिया गया और मुमरा पुलिस की एक टीम भी इटारसी के लिए रवाना हो गई। हालांकि 3 सितंबर को शहनवाज सैफी को मुमरा लाया गया और इसके खिलाफ 302 के तहत FIR दर्ज की गई थी। 4 सितंबर को उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां 8 सितंबर तक उसे पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की और आगे जांच पड़ताल कर रही है। इस हत्या के पूरे मामले में मुमरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर कड ने क्या जानकारी दी है। सर, सदक नाम की एक लड़की के मर्डर की घटना सामने आई थी जीवन बाग में, इसका शौहर जो है फरार था, क्या गिरफ्तार हुआ है और क्या कुछ इसने जानकारी दी। सदब शहनवाज सैफी करके एक लेडी थी, वो उसके मर्द के साथ शहनवाज सैफी के साथ में जीवन बाग एरिया में बुरानी बिल्डिंग में रहती थी। 1/9/2021 को उनका सवेरे 11:30 बजे पहले कुछ दोनों में अनबन हुई थी और उसके ऊपर से बाहर से कड़ी लगा के ये शहनवाज सैफी फरार हो गया था। उसको इटारसी आरपीएफ के इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार इनसे कांटेक्ट करके वो उसको इंटरव्यू किया था। बाद में उसको हमारे यहाँ से टीम लेके जाके यहाँ आ गई और उसमें उसको अरेस्ट किया है 302 के गुने में और उसका 8 तारीख तक PCR लिया हुआ है। ट्रेन में था उस दौरान, बच्चे को भी जानकारी थी, बच्चे को भी और उसकी लड़की साथ में लेके भाग गया था। एक्चुअली मुरादाबाद का रहने वाला है, वो उधर मुरादाबाद की तरफ जाने वाला था। ट्रेन से गिरफ्तार, ट्रेन से उसको इंटरसेप्ट किया है उसको। कैसे भी इसने मारा था इसके बारे में अभी वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है पूरा, क्योंकि वो जब वो जो मरी हुई है लड़की, उसके पिताजी ने वो जो वहाँ के एविडेंस है उसके मुताबिक वो सब सस्पेक्टेड है, तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उसमें वो क्लियर हो जाएगा। कहा जा रहा था कि जो है गैस रसोई गैस खोल के जो है पाइप लगा दिया गया था मुंह में, ये बात सही है? ये बात सब सही है, उसमें पॉइजनस भी कुछ गोलियां मिली है, बाद में उसको आंग पे ऊपर जलने के भी निशान है उसके, ये सब जो इंजुरीज वगैरह ये सब मिला के उसकी डेथ हुई है, तो अभी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि वो कैसी मर गई हो। सर, आरोपी ने कुछ बताया किस बात को लेकर? कुछ भी नहीं, उनके हर बार झगड़े होते थे, उसका जब से शादी हो गई, उनका लव मैरिज था और उनके जब से शादी हो गई तब से उनके कुछ ना कुछ बातों पे अनबन होती रहती थी और उनके आपस में झगड़े होते थे, कुछ भी बात रहे तो उनके आपस में झगड़े होते थे, तो अभी वो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि वो क्यों ऐसा किया करके।